बैक टू द चैनल गाइस, आप लोग देख रहे हो मुसाफिर की एक और नई वीडियो। सो भाई एक और गाड़ी जो है हम लोग आप लोगों के सामने प्रेजेंट करने वाले हैं। बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट थी न्यू वैगनार के ऊपर एक वीडियो बनाओ, फुल सीट कवर और एक ऑडियो अपग्रेड जो है वो आप लोगों को अच्छे लेवल का हम लोग दिखाने वाले हैं। इसी के साथ में क्या कपड़ा यूज करेंगे, क्यों कर रहे हैं, और उसके साथ साथ में अगर आप लोगों के पास न्यू वैगनार है क्या क्या चीजें आप लोग करा सकते हैं आप लोगों को आज की वीडियो में बताएंगे। तो सूरज भाई और मैं जितनी चीजें बता सकते हैं आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। वीडियो जो है वो कोशिश कर रहे हैं जिस दिन गाड़ी आ रही है उस दिन शूट कर करके हम लोग इसको रखते रहे, जिससे आने वाले टाइम पे आप लोगों को मैं एक वीडियो अच्छी सी बना के दिखा सकूं। तो कैसे उम्मीद है क्या निकल के आएगी गाड़ी? गाड़ी बहुत लो बजट के अंदर सबसे अच्छा काम होगा, ब्रांडेड सारी चीजें होगी, कोई इसके अंदर लोकल नहीं, ऑल ब्रांड है भाई, इसके अंदर ऑल ब्रांड है भाई, सब कुछ डाल रहे हैं इसके अंदर। आई होप कि आप लोग एंजॉय करोगे। सो लेट्स स्टार्ट दिस। मुसाफिर की इस वीडियो को देखने से पहले सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूले। सब्सक्राइब का बटन दबाने के बाद इस बेल आइकन को दबाकर हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाए। तो आइए देखते हैं मुसाफिर की ये वीडियो। सो गाइस यहाँ पर एक बार चेकआउट कर लो, गाड़ी जो अभी आ रखी है, कुछ भी गाड़ी में नहीं हो रखा, मैं आप लोगों को पहले चेकआउट करा देता हूँ। भाई अंदर एक बार चेकआउट कर लो आप लोग, फिलहाल के लिए जो आप लोगों को इंटीरियर देखने को मिलेगा फुल, ठीक है, सिस्टम का भी कुछ नहीं है। भाई जो है अभी सिस्टम के काम में लग गया, ठीक है, सीट कवर चेकआउट कर लो, कुछ भी नहीं लगे हुए, ये जो आता है कपड़ा नॉर्मल सा लगा हुआ। सो इसमें इंटीग्रेटेड जो है आप लोगों के हेडरेस्ट आते हैं, ठीक है, सो इसके ऊपर पूरा काम किया जाएगा अभी। मीनवाइल आप लोग चेकआउट कर लो, ठीक है, बढ़िया देखने में भी लग रहे हैं, और जैसे ओके हो जाएंगे तब आप लोगों को जरूर दिखाऊंगा। और सबसे पहले बात करते हैं कौन सा कपड़ा लगाने वाले हैं और क्या चॉइस है। सो गाइस इसके बाद बारी आती है कि एक बार हम लोग चेकआउट कर ले कौन सा कपड़ा हम लगाने वाले हैं। कौन सा कपड़ा लगा रहे हैं सूरज भाई? ओजोन लेदर लगा रहे हैं। ओजोन लेदर लगा रहे हैं की जो सबसे मतलब जो इन्होंने बोला जो सबसे बेस्ट कपड़ा मेरे पास है पर सारी गाड़ियों के लिए सबसे टॉप लेदर है वो ओजोन लेदर है, उससे एक पॉइंट नीचे न्यूबक है जो मैं हमारा लेटेस्ट लॉन्च है, बट सर सबसे टॉप ओजोन लेदर लगवा रहे हैं, जो कि मैं आपको दिखाता हूँ। क्रीम लुक देंगे हम गाड़ी को अंदर से ना, बिल्कुल ब्राइट, इसमें हम इंटीरियर के साथ नहीं, हम अपना कुछ एक्स्ट्रा करेंगे इसके अंदर। बस आप लोग डोर वाइजर रेन वाइजर जिनको आप बोलते हो वो एक बार आप चेकआउट कर लो, ये फॉर वैगनार होते हैं यूजुअली। आप लोग देखोगे अगर आपको कभी भी ऐसा लगे कि भाई कोई चीज नकली मिल रही है तो उसका पहचान करने का भी तरीका आप लोगों को सिखा देते हैं, उसको पूरा एक को बाहर निकाल दे। सो अगर इसके कॉर्नर साइड में आप लोग जाते हो, ठीक है, तो यहाँ पर लिखा होगा इसमें बहुत क्लियरली फॉर न्यू वैगनार, ठीक है भाई। इसमें भी आपको तीन चार तरह की क्वालिटी मिलती है, टेप की क्वालिटी मिलती है, बढ़िया, जो भी बेस्ट आप लोगे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, देख लो इसकी क्वालिटी, ऐसे देख सकते हैं आप, ठीक है। तो भाई तो भाई ने पूरी चीज आप लोगों को चेकआउट करा दी। इसी के साथ में सिस्टम जो अपग्रेड है उसमें अगेन टच का आप लोगों को ऑप्शन मिल जाता है, लेकिन पायनियर का डबल टिन यूज किया है जो अपना S509BT आता है, ठीक है, ये भी एक अच्छा यूसेज के उससे है। आप लोगों को इसमें ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी मिल जाती है और सही चीज है, मतलब यूज किया उससे अगर आप लोगों को बेसिक कुछ चीज चाहिए और बेसिक अपग्रेड करा रहे हो तो आप लोगों के लिए एक अच्छा ऑप्शन है। 160 वॉट पीक पावर के साथ में रॉकफोर्ड का ये प्राइम आता है, ये भी एक अच्छा है। बेस्ट को एक्सेल है ये, हां को एक्सेल गाड़ी के अंदर लगाना है ना, नॉर्मल स्पीकर बेस्ट है, बेस्ट बिल्कुल। तो आप लोग इसके लिए जा सकते हो, ये आप लोगों को चॉइस रहेगा। ये क्या है भाई बता दो? भाई ये पीछे रिफ्लेक्टर लाइट है, ठीक है, रिफ्लेक्टर चेकआउट करा दो एक बार। रिफ्लेक्टर लाइट है जो कि अगर मैं आप बोलूंगा तो मैं आपको जला के दिखा सकता हूँ, जैसे कि ये नॉर्मल लाइट जो होती है, जब पीछे जो है ना कंपनी हमारे को देती है डमी लाइट, ठीक है, तो उसकी जगह पर ये लगता है जी, एक सेकेंड, और ये बहुत मतलब रीजनेबल रेट भी है इसका, लेकिन गाड़ी में लुक सबसे अच्छी आती है, जैसे ये देख सकते हो, देख लो यहाँ पर चेकआउट कर लो, ठीक है, डिजाइन जो है वो इसका एक नंबर, इसमें एक दो डिजाइन और भी आते हैं बट ये डिजाइन सबसे ज्यादा बेस्ट है और यही सबसे ज्यादा बिकता है, सबसे ज्यादा बिकता है, ठीक है गाइस। तो ये चीजें जो आप लोगों को होती हुई दिखने वाली है न्यू वैगनार के लिए, बहुत सारे लोग पूछ भी रहे थे तो आप लोगों को एक आइडिया मिल जाएगा। स्पीकर्स तो कापा है, प्राइमस है, रॉकफोर्ड पंच है, फोकल है, सारी अलग अलग रेंज की सारी चीज मिलेगी आप जब भी आओगे मेरे पास ना। टच स्क्रीन में 3000 नंबर, 5000 नंबर, फिर नाम क्या पायनियर का डबल डिन टच वाला, ब्लॉपंग के अंदर फुल एंड्रॉइड कॉस्टम ऐसा, उसके बाद सैन मेरिनो, सारी चीज अवेलेबल है मेरे पास आपके लिए, ठीक है। तो आप लोगों को ये एक ओवरव्यू दे दिया, लेट्स स्टार्ट द प्रोडक्शन जो कि हमारा होने वाला है, और गाड़ी बाहर खड़ी है, इसमें काम स्टार्ट कर रहे हैं और जैसे जैसे प्रोसेस चलता रहेगा मैं आप लोगों को बताता जाऊंगा। इस वैगनार में जो है वो काम शुरू हो चुका है, सबसे पहला प्रोसेस गत्ता खोल दिया गया है ब्रांड न्यू गाड़ी के अंदर, आप लोगों को सिलिकॉन और ये पन्नी लगी हुई हमेशा दिखती है, तो ये जो है ये अभी खोला जाएगा। यहाँ पर हमारा जो है कोएक्सल खोला जा रहा है, दूसरी तरफ भी आप लोगों का गत्ता खुल गया है। तो भाई गाड़ी में कोई एम्प वैम तो लगा रहा ना? नहीं भाई कुछ नहीं, बिल्कुल सब कुछ नॉर्मल है, स्टॉक्स चीज रखेंगे, बस ये एक बेसिक अपडेट है। अगर आपका बजट कम है और आपको अच्छी गाड़ी बनानी है तो आप लोगों के लिए ऑप्शन है, भाई जो है फिटिंग करेगा। एक बार जरा ये भी चेकआउट करा दो तो कैसा देखने में लग रहा है, ठीक है भाई, ओके है, ओरिजिनल A1 है, और भाई इनमें तो वो रिंग टाइप की लगती होगी ना, है ना, कैसी? एक बार जरा वो भी दिखाइए एक बार, ये तो आपका कपलर हो गया अभी, ठीक है, तो इसमें कोई कटिंग कुटिंग नहीं है, सीधे कपलर टू कपलर है, देख लो भाई ये भी देख लो यार,
बहुत सारे भाई बोलेंगे इसमें ठीक है, कपलर टू कपलर सीधे सब चीज जुड़ रही है, कहीं से कोई भी वायर कटिंग नहीं हो रही है। रिंग लगा दी इसके ऊपर, देख लो ये रिंग होती है जिसको आप लोग जो है मतलब सही तरीके से ड्रिल करके भाई ने लगा दिया और ये इसके ऊपर फिट हो गया ठीक है। अब इसको स्नग फिट कर देंगे, टाइट कर देंगे एंड देन इट्स गुड टू गो। तो गाइस आप लोगों को मीनवाइल में एक बार सियास के भी दिखाया था, यहाँ पर आप लोगों के बकेट सीट कवर्स लगे हैं ब्लैक और रेड कलर के पूरी स्टिचिंग में, तो आप लोग एक बार चेकआउट कर लो। फुल ब्लैक जो है सीट कवर रखा हुआ है और उसमें रेड स्टिचिंग की है। देखो दिन में शूट करने का यही फायदा है, आप लोगों को अच्छी तरीके से क्लैरिटी दिखती है एंड अगेन इसमें आप लोगों को रिंकल्स ही दिखेंगे। अगर आप हल्का फुल्का देखोगे ये आपको दिख रहा होगा तो ये रिंकल नहीं होता, रिंकल नहीं होता ये इस तरफ का जो एक तरीके से आप लोग कर्व देख सकते हो वो बहुत बढ़िया लग रहा है। इसी के साथ में आप लोगों का आर्मरेस्ट चेकआउट कर लो आप लोग ठीक है, पूरा एक लुक आ रहा है और स्टीयरिंग देखना है तो स्टीयरिंग भी देख लो, पूरा एक फिनिशिंग बढ़िया है और काफी अच्छी तरीके से बनाया हुआ है। पीछे की तरफ मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, देखो गाइस बिल्कुल न्यूबक का ये कपड़ा है और लुक जो है बहुत परफेक्ट है। जितने सियाज लवर्स हैं उनको तो भाई मजा आने वाला है ठीक है। इधर भी चेकआउट करो, चेक दिस आउट, बहुत बढ़िया और जबरदस्त वाला लुक है। तो गाइस मीनवाइल यहाँ पर चेकआउट कर लो, यहाँ पर काम चल रहा है स्टीयरिंग का ठीक है। तो भैया कौन सा कपड़ा है जो स्टीयरिंग में आप सिल रहे हो? न्यूबक है सर, न्यूबक है, तो स्टीयरिंग भी जो है इसमें न्यूबक का सिला जा रहा है, एक बारी देख लो भाई ठीक है। तो इसको बिल्कुल परफेक्ट कर देंगे और इसका लुक जो है बहुत जबरदस्त आएगा। ब्लैक कलर हमने इसमें यूज किया है, सो एक बार काम कम्प्लीट होने देते हैं उसके बाद आपको देखा। यहाँ पर जो है रिफ्लेक्टर्स का भी पूरी की पूरी प्लेसमेंट हो गई है। अगर आप लोग में से कोई भी करवाता है तो स्कॉच लॉक जरूर लगवाए, अगर आप लोग कुछ भी ऐसा काम कराते हो कंपनी में भी यूजली जो है स्कॉच लॉक लगाया जाता है। सो एक बार नीचे चेकआउट कर लो रिफ्लेक्टर का कैसा लुक आता है ठीक है। इसमें भी आप लोगों को दो तीन तरीके का ऑप्शन मिलते हैं लेकिन येलो ऑप्शन जो है वो सबसे बेस्ट है। इसी के साथ में स्टीयरिंग अगर आप लोगों ने देखना है तो भैया अभी भी स्टिचिंग कर रहे हैं स्टीयरिंग की ठीक है, और मेरे को बोला है कि भाई वर्ल्ड बेस्ट स्टीयरिंग बना के दूंगा मैं आप लोगों को, क्या कहते हो भैया? देख लो भैया फिनिशिंग देखो आप है ना, अभी कर दो पूरा डन, फिर लास्ट में दिखाएंगे एक बार ऑडियंस को। बाकी सारे के सारे गत्तों में जो है वो स्पीकर लगाने का काम निपटा दिया है, हम लोगों का जो हेड यूनिट है वो अभी लगाई जाएगी डबल टिन की और उसके बाद फिर मैं आपको आउटपुट सुनाऊंगा। तो यहाँ पर एक बार आप लोग चेकआउट कर लो, यहाँ पर जो वैगनर के न्यू वैगनर जो बेसिकली है उसका रियर का आप लोगों को यहाँ देखने को मिल जाएगा एक ओवरव्यू। अगेन आप लोगों को बताया तो अगर आपको हल्का फुल्का कहीं से लगे कि 19-20 का फर्क है तो ये बैठने के साथ में एडजस्टमेंट के साथ में चले जाता है। सबसे बड़ा लॉस क्या होता है, जिन गाड़ियों के अंदर हेडरेस्ट एडजस्टेबल नहीं आता है उनके अंदर हल्का फुल्का आप लोगों को फर्क देखने को मिलेगा, जिनका एडजस्टमेंट वाला होता है तो उसमें ये चीज़ें नहीं फील होती है, लेकिन जिनका इंटीग्रेटेड होता है यानी कि आप एडजस्ट नहीं कर सकते उनमें ये फर्क आएगा। अगेन डिजाइनिंग वाइज देखोगे तो बर्फी डिजाइन यहाँ पर दिया हुआ है, जो इसके अंदर स्टिचेज है वो भी आप लोगों को सेम ही कलर का दिखेगा जिस कलर का आपका कवर तैयार किया गया। सो ये एक ओवरव्यू है, बाकी यहाँ पर आप लोग सीट चेकआउट कर लो, यहाँ पर भी इसको बकेट फिट बनाया जा रहा है ठीक है। इसको जब रेडी कर जाएगा तब आप लोगों को और ओवरव्यू दिखाऊंगा एंड आई होप कि तब आप लोगों को और मजा आएगा। तो गाइस मोनू यहाँ पर लगा हुआ है काम पे, तो यहाँ पर काम क्या चल रहा है, सबसे पहले कपलर वाली चीज चेकआउट कर लो। जितने लोग सोचते हैं कि जब हमारी गाड़ी में सिस्टम लगाया जाता है, स्पेशली मिथ है कि करोल बाग में वायरें काट देते हैं, भाई वायरें कुछ नहीं कटती है, कपलर होता है। मोनू यहाँ पर कपलर हटा के दिखा, पहले सबको कपलर हटा के दिखा, ये होता है ठीक है, ये कंपनी का ओरिजिनल कपलर है और इसके साथ में एक अलग से कपलर आता है, इसको जोड़ा जाता है, इसमें कोई भी वायर कटिंग नहीं होती है, इसकी जो वायर होती है वो सारी सारी स्टीरियो जुड़ती है। एक बार स्टीरियो उठा के दिखा मोनू और इसके साइड में दिखा दे कैसे इसकी फिटिंग दिखाई देती है ठीक है। साइड से आप लोगों का पूरा सपोर्ट लग जाता है जिससे ये अंदर स्नग फिट तरीके से बैठ जाता है ठीक है। तो प्लीज इस चीज को समझ लेना और उसके बाद ही काम करवाना, कहीं पर भी कोई वायर कटिंग नहीं होगी, अगर बाय चांस कहीं वायर कटिंग होती भी है वहां पर स्कॉच स्विच लग जाता है, क्या कह रहे हो, स्कॉच लॉक या स्कॉच से जो बोलते हैं है ना। तो भाई को काम करने थे उसके बाद आपको। सो गाइस इट्स टाइम कि आप लोगों को एक बार आवाज का आउटपुट सुना दूं। मीनवाइल जो अभी सीट कवर का यहाँ पर काम चल रहा है ठीक है, सीट कवर अभी इसमें लगाए जाएंगे लेकिन एक बार आपको आवाज का आउटपुट सुना देता हूँ। और जो इसमें लगाया गया अगेन वो बजट आप अगर आप लोगों का कम है और आप लोग केवल स्पीकर्स लगवाना चाहते हो तो आप लोगों को ये ऑप्शन मिलता है। तो आवाज सुनाता हूँ, I'm not afraid to fall.
सो गाइस मीनवाइल यहां पर चेकआउट कर लो, फ्रंट की जो सीट्स है वो यहां पर लग चुकी है, ठीक है। एक भाई अभी प्लेसमेंट कर रहा है, जितना हो सकता है उतनी बढ़िया यहां पर फिनिशिंग निकाली गई है, एक बार चेकआउट कर लो। एंड अगेन भाई जो ये कपड़ा है इसमें फिनिशिंग अच्छी आती है, ठीक है, खुद आप लोग चेकआउट कर सकते हो और आप लोग ज्यादा अच्छे तरीके से जज कर सकते हो। बाकी अभी पीछे लगाया जाएगा तब आप लोगों को ज्यादा अच्छे तरीके से ओवरव्यू देखो। सो गाइस फाइनली जो है सब चीजें यहाँ पर सफाई करने के बाद आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ क्या ऑप्शन है। सो इसमें नॉर्मली आप लोगों को 4D 5D वाला ऑप्शन मिल जाता है, आप लोगों की चॉइस के ऊपर है। सीट कवर्स आर सुपर ड्राई वाला जो पूरा कहते ना कि भाई लुक जो है वो एक नंबर का है। इसी के साथ में हेडरेस्ट के साथ में जो आप लोगों का नेक पिलो होता है वो भी आप लोगों को कनेक्टेड दिखेगा क्योंकि इसमें इंटीग्रेटेड है। लुक एक बार फिर से चेकआउट कर लो, ठीक है, पूरा बर्फी वाला डिजाइन जो है परफेक्ट तरीके से निकाला है। एंड फाइनली इट्स टाइम कि आप लोगों को पूरा पीछे का भी दिखा दूं मैं लुक, ठीक है भाई, परफेक्शन के साथ है, जितना होना था उतना मैंने आप लोगों तक शेयर कर दिया है। नीचे भी चेकआउट कर लो एंड एवरीथिंग इज रियली गुड। ओके गाइस, सो इट्स टाइम की वीडियो को एंड कर दिया जाए, रात की काफी टाइम हो चुका है, काफी बढ़िया तरीके से जो है पूरा टाइम स्पेंडिंग हुआ। आज जो है हम लोगों ने दो गाड़ियां शूट करी है, सो एक थी वेन्यू और दूसरी हम लोगों ने ये न्यू वैगनार शूट की थी। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ जिनकी गाड़ी थी, पहले एक बार सर नाम बता दीजिए अपना। राकेश सिंह, राकेश जी थे और साथ में जिन भैया ने रिकमेंड किया था, क्या नाम है, ऋषिपाल जी हमारे साथ थे, चमत्कार भाई हमारे साथ थे। सबसे पहली चीज सर सेटिस्फेक्शन लेवल के बारे में बताओ, सेटिस्फाइड हो काम से? हाँ, बिल्कुल एकदम फर्स्ट क्लास काम है, बढ़िया है बिल्कुल सब कुछ, एकदम फर्स्ट क्लास। और सबसे जरूरी चीज सर कितने पैसे स्पेंड किए ये भी बता दो। इसमें 27,000 रूपए हमने खर्च किए, 27,000 रूपीज हमने स्पेंड करे। कहीं पर ऐसा लगा कि नहीं भाई ये वर्थ नहीं है करना? नहीं, नहीं सही है। कैसा लगा भैया? बहुत बेटर, वीडियो में देख के आते हो तो काम वैसा ही मिल रहा है ना? बिल्कुल सही, तो भाई देखो वही पाया बिल्कुल। तो भैया ने ये चीज आपको बताई, गाइस देखो आप में से किसी को भी लगता है कि भाई यार हम लोग अगर किसी के जस्ट डायल में जाकर या फिर किसी की रेटिंग में जाकर उसको कुछ बैड या एक स्टार देंगे तो उसके काम में उससे फर्क पड़ जाएगा, तो मैं आप लोगों को ये चीज बताता हूँ, बंदा जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक चीज मैं बोलूंगा कि फर्क जरूर पड़ता है, लेकिन जो बंदा अच्छा काम करता है उसका काम हमेशा दिख जाता है। और ऐसे कस्टमर जब आते हैं जो मैं आपके थ्रू या अपने थ्रू जो आप लोगों तक पहुंचाता हूँ, फर्क है ना पड़ता नहीं है, जो भाई देख रहे हैं ना उनका प्यार उनका लव एंड सपोर्ट ही इतना है मेरे को बिल्कुल कि मैं तो उधर जस्ट डायल पे वो कस्टमर्स बोलते हैं मेरे को कि भैया आपकी रेटिंग ऐसी है, मैं तो कभी देखा ही नहीं मैं रेटिंग। तो भाई देखो रेटिंग का मैं आपको खेल बताता हूँ, देखो हम भी यूट्यूब में काम करते हैं तो यूट्यूब में भी हमारी रेटिंग ऊपर नीचे जाती रहती है, लेकिन सबसे मेन चीज है आपका व्यवहार कस्टमर से सही रहना चाहिए ना सर, व्यवहार बढ़िया रहना चाहिए और ठंडा पानी मिलता रहना चाहिए, ठीक है, गर्मी में ठंडा पानी मिलता रहना चाहिए। तो भाई इसी के साथ में अगर आप में से कोई भी प्लान कर रहा है कि भाई के पास आके काम कराना चाहता है, ये एक बेसिक मॉडिफिकेशन या फिर बेसिक एसेसरीज नेसेसिटी जो कि आप लोग अपनी गाड़ी में लगवा सकते हो जब भी आप अपनी गाड़ी परचेज करते हो। सूरज अगर कोई आना चाहता है तो क्या एड्रेस है, कैसे आ सकता है, गूगल में क्या लिखना है? भाई कृष्णा कार श्रृंगार अब्दुल अजीज रोड करोल बाग, जब भी आने से पहले कॉल करिए, कॉल नहीं उठाता आप मेरे को व्हाट्सअप कर दीजिए, व्हाट्सअप पे आपको रिप्लाई आ जाएगा। एक दिन आने से पहले बोल दीजिए कि कल हम आ रहे हैं, उससे मैं आपको लोकेशन कर सकता हूँ, मैं आगे के लिए मतलब अपना लेबर सपोर्ट बैकअप रखूंगा ताकि आप आएंगे आपको दिक्कत नहीं होगी। तो गाइस देखो यहाँ पर जो है काम ऐसा चल रहा है कि 5-5 गाड़ियों में भी एक दिन में इंटीरियर हो जाता है, लेकिन मैं क्या आप लोगों को रिकमेंड करूंगा 8 घंटे 7 घंटे 6 घंटे कभी कभी टाइम पीरियड बढ़ जाता है ड्यू टू जो यहाँ पर लेबर है वो कम हो जाता है। हाँ। तो इस चीज को थोड़ा बहुत टाइम का फर्क पड़ता है, लेकिन जो टाइम आप देंगे ना भैया वो यूटिलाइज आपकी गाड़ी के अंदर काम हो रहा है। मैंने सर को बोला था सर 4 घंटे लगेंगे 4-4.5 घंटे, उसी में 10-15 मिनट ऊपर नीचे हुआ है ये नहीं, बट अभी तो जैसे सपोर्ट पूरा था, बाय चांस किसी की तबीयत खराब हो जाती है या कुछ भी होता है तो 1-2 घंटे का एडजस्टमेंट प्लीज आप करिए, उससे क्या होगा वो गाड़ी आपकी मतलब उतना ही अच्छा काम बढ़िया होगा बिल्कुल। तो गाइस देखो ये वीडियो मैं जरूर एंड कर रहा हूँ, लेकिन मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि आप लोग एक बारी जो हमारी वेन्यू वाली वीडियो होगी उसकी तरफ जब आप लोगों ने, क्या पता वो इससे पहले आ रही हो बाद में आ रही हो सकता है, उसमें मैंने गुजरात से आप लोगों को सर जो आए थे उनसे ही मिलवाया था, तो मैं उनका फीडबैक मैं आप लोगों को बोलूंगा, अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा तो एक बार जाके जरूर देखना, वो आप लोगों को बताएंगे क्योंकि इतनी दूर से वो ट्रेवल कर रहे अपनी वाइफ के साथ, अच्छा खासी उनकी एज ग्रुप भी है और उसके बाद भी वो केवल सीट कवर गाड़ी के लगवाने के लिए, तो इसका कुछ ना कुछ मतलब होगा एंड आई गेस कि आप लोग समझ सकते हो। तो इसी के साथ में कृष्णा कार श्रृंगार आप लोग गूगल में लिखते हो आप लोग को सब चीजें मिल जाएगी, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन अगर आपको इनका एड्रेस चाहिए या नंबर चाहिए, नंबर हर जगह फ्लैश होते रहते हैं। इसी के साथ में वीडियो पसंद आई हो लाइक शेयर कमेंट कर देना, सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर देना, मुसाफिर को इंस्टाग्राम में फॉलो करना है, लिखिए MUSAFIR 7811 यानी कि मुसाफिर 7811। इसी के साथ में भाई आप लोगों को जो है विदा करते हैं इस टाइम से, ठीक है। तो सर हम कोई भी वीडियो जब एंड करते हैं तो हम ऐसे सैल्यूट करते हैं आपको ना पूरा परफेक्ट वाले स्टाइल में, तो सर के साथ तो ऐसे मजा आ गया तो एक बार ऐसे सैल्यूट स्टाइल में करेंगे। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सो टिल देन कीप वॉचिंग एंड एज ए बढ़िया बढ़िया।